अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर दानिश पेट्स चैनल। और आज मेरे साथ जो बुली कोट में साइबेरियन हस्की ब्लू आइज में है फ्रेंड्स, ये है मीका। मीका जो है इसमें मीका को जो आप देख सकते हैं, ये ब्लैक चॉकलेट और ग्रे कलर में है, सॉरी ब्लैक एंड चॉकलेट, आप इसे ब्लैक एंड चॉकलेट भी कह सकते हैं और इसे आप चॉकलेट कलर भी कह सकते हैं। लेकिन अभी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये सिक्स मंथ की फीमेल है और आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन पर। और इतनी एज में 6 मंथ से जो पप्पी होता है उसको हम क्या डाइट दें, और इसे बेसिकली हम बोले कि अडल्ट सेमी अडल्ट में ये आते हैं। तो ये फीमेल मीका काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती है, वैसे 6 मंथ के भी होने वाली है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो है हमें वैक्सीनेशन का ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद कोड के हवाले से बात की जाए तो ये बेबी कोड है इसका ना, तो बेबी कोड है। बेबी कोड जो होता है तकरीबन 9-10 मंथ के बाद जाके जो होता है वो कम्प्लीट जो है अपने और इसका जो बाल होते हैं वो आना शुरू होता है। जो 5 मंथ में जब आपका पपी होता है तो आप कोशिश करें इस सीजन में, जो गर्मियों का सीजन है इसमें आप इनकी डाइट जो है कम रखें और जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो। जब ये अगस्त का जो महीना होता है, जून जुलाई अगस्त, ये 3 ऐसे महीने होते हैं जिसमें इन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और मोस्टली लोग कहते हैं कि पंजाब में या पाकिस्तान में साइबेरियन हस्की रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो साइबेरियन हस्की पंजाब में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने रखा है, लेकिन आप ये याद रखें वो जो जिन लोगों ने साइबेरियन हस्की रखे हैं, जो ब्रीड करवा रहे हैं और जिनके पास 8-10 साल से साइबेरियन हस्की रह रहे हैं, तो वो लोग तो प्रोफेशनल ही हैं और वो डाइट के हवाले से डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। अब बात करते हैं कि इतनी गर्मी, ये 3 महीने बहुत गर्म होते हैं, तो उसमें इनकी डाइट क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स डाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा दें जिसमें पानी होता है, नेचुरली पानी जिसमें है, सब्जियों में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, तो जिसमें आप वेजिटेबल का ख्याल रखें। जब इतनी गर्मियों में जब आपका साइबेरियन हस्की जो है बच्चा है या बड़ा है, 4-3 माह के बाद जो बच्चे हैं वो सब्जियाँ वेजिटेबल खरीदना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स जिसको सब्जियाँ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, और 6 और गर्मियों में जो है क्वांटिटी कम होनी चाहिए खाने की, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बस ये आप याद रखिए कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो। अब इतनी गर्मी में साइबेरियन हस्की कब रह पाएंगे, जब आप उनकी डाइट का ख्याल रखेंगे, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि इन दिनों में डॉक्टर इंसानों को भी कहता है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी बॉडी पे पसीना आता है। अब इनकी बॉडी पे पसीना नहीं आएगा, इनकी बॉडी पे पसीना नहीं आएगा, इनकी ज़ुबान पे पसीना आता है, तो ये फिर ज़ुबान के ज़रिए जब ये पानी, इनके जिस्म का पानी जो होता है वो वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये बुली कोड है, अभी इसका कोड आ रहा है और ये सर्दियों में जो है इसका कोड बहुत अच्छा हो जाएगा और सर्दियों में ये सेहत भी पकड़ेगी, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से हम लोग इन्हें डाइट कम दे रहे हैं, सब्जियों का इस्तेमाल जो है हम लोग ज़्यादा करवा रहे हैं। तो डाइट के हवाले से मेरी एक वीडियो है जिसमें बताया गया कि आप डाइट कौन सी दें, तो उस वो अवेलेबल है, वीडियो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी एज में जो है आप मीका इधर आओ, तो फ्रेंड्स मीका भी भाग गई है, तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।